भूमिका, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, आज मैं रिव्यू एंड डेमो करने जा रही हूँ डेजलर फाउंडेशन स्टिक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। गाइज, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ उसके टेस्टर्स मेरे पास है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि टेस्टर्स होते क्या हैं। मार्केट में आप लोग जाते होगे और किसी कोई भी जो शॉपकीपर होगा उससे आप प्रोडक्ट का डिमांड करते होगे, तो शॉपकीपर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो बाद में देता होगा, पहले आपको टेस्टर्स दिखाता होगा, उसमें से आप पसंद कर लेते होगे एंड देन फिर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट निकालता होगा। तो ये जो टेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को दिए जाते हैं। इस वक्त मेरे पास टेस्टर्स हैं, ओरिजिनल पिक मैं अभी आपके सामने ऐड कर रही हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है। एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, टेस्टर्स जो होते हैं वो क्वालिटी में बिल्कुल सेम होते हैं, 19-20 वाला भी डिफरेंस नहीं होता है। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, क्वालिटी में बिल्कुल सेम होते हैं। तो जो भी मैं अभी बताऊंगी कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये डिसक्वालिटी है, तो वो सब आपके प्रोडक्ट में भी होगा, यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट में भी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि टेस्टर्स क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन टेक्सचर्स के बारे में। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के प्राइस एंड वेट के बारे में। इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज एंड इसका जो वेट है वो है 9 ग्राम। गाइस, इसका जो टेक्सचर है वो है क्रीमी मैट। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि क्रीमी है, बट थोड़ी सी देर के बाद ये थोड़ा सा मैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा मैट में कन्वर्ट नहीं होता है, इन बिटवीन रहता है, ना बहुत ज्यादा क्रीमी और ना बहुत ज्यादा मैट। इसका जो कवरेज है वो है मीडियम कवरेज। अगर आप चाहते हो इसको बिल्ड करना तो बहुत ही आसानी से आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो। एक लेयर लगाने में आपको मीडियम कवरेज ही मिलेगा, अगर आप 2 या 3 लेयर लगाते हो तो आपको फुल्ली कवरेज भी मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि इसका जो टेक्सचर है वो है क्रीमी मैट। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप तब भी यूज कर सकते हो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है आप तब भी इसको यूज कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी केगी नहीं लगता है, बट अगर आप 3 लेयर से ज्यादा यूज करोगे तो पैचेस से लगने लगते हैं, यानी मेरा ये जो एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई है। मैंने जब 4 लेयर्स लगाए थे तो यहाँ पर पैचेस से, छोटे छोटे पैचेस से पड़ गए थे। अगर आप 3 लेयर से ज्यादा लगाते हो तो मे बी आपको भी पैचेस पड़ सकते हैं। गाइज, जैसे मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही क्रीमी है। अभी इस वक्त मैं लगा रही हूँ, मुझे बहुत ही क्रीमी वाला फीलिंग आ रहा है, बट जैसे मैं इसको ब्लेंड करने लगती हूँ तो ये हल्का सा मैट में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये समझ सकते हो कि 40% मैट में कन्वर्ट हो जाता है और 60% क्रीमी ही रहता है, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये ड्राई पीपल के लिए, ऑयली पीपल के लिए एंड कॉम्बिनेशन पीपल के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। गाइज, ये जो स्टिक है ये बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है। अगर आपका स्किन जो है वो, जो टेक्सचर है वो ऑयली है, तो आप पाउडर लगा के, यानी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आपका ड्राई है तो हल्का सा पाउडर लगाइए एंड यू आर गुड टू गो, एंड कॉम्बिनेशन पीपल तो आप तो अच्छे से मैनेज कर ही सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कवरेज की। तो जो इसका कवरेज है वो 1 टाइम में, यानी 1 लेयर में आपको मीडियम कवरेज देगा। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 1 लेयर लगाया है एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे सा कवरेज है। गाइज, ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हो मैंने कुछ भी अपने बेस में नहीं ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ स्टिक ही लगी हुई है, तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छा कवरेज है। गाइज, ये कुछ फाउंडेशन स्टिक है जिसका मैं आपको स्वेचेस दिखा रही हूँ, एंड गाइज जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, तो उस नंबर का जो नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, ये था मेरा फाइनल रिव्यू एंड डेमो, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।